दोस्तों क्रिकेट अपने आप में एंटरटेनमेंट से भरपूर खेल है, लेकिन कभी कभी मैदान पर खिलाड़ियों की छोटी छोटी हरकतें इस एंटरटेनमेंट को कई गुना बढ़ा देती है। मैदान पर कई बार बड़े से बड़े खिलाड़ियों ने ऐसी हरकतें की हैं जिसको देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको मैच के दौरान के 15 फनी मोमेंट्स के बारे में बताने वाले। नंबर 15, दोस्तों सीपीएल के एक मैच में जब वेस्टइंडीज के गेंदबाज भाई गेंदबाजी कर रहे थे तो गेंद उनके हाथों से फिसल गई और बल्लेबाज की तरफ गेंद जाने के बजाय पीछे चली गई। बल्लेबाज को ना यहाँ पे कुछ मजाक सूझा और वो बॉल की ओर दौड़ पड़े, जबकि अंपायर ने इस बॉल को डेड करार दिया। खैर, बल्लेबाज की इस हरकत ने वहां मौजूद लोगों और खिलाड़ियों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। नंबर 14, दोस्तों कोरोना वायरस का असर क्रिकेट पर भी पड़ा है, तभी इसके नियमों में कई बदलाव हुए हैं। आम दिनों में दोनों खिलाड़ी टॉस के वक्त हाथ मिलाते थे, लेकिन कोरोना के आने के बाद इस नियम को बदल दिया गया। शुरू में खिलाड़ियों को इस बदलाव को समझने में समय लगा। यही वजह थी कि जब एक मैच में बेन स्टोक्स और वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर टॉस के लिए मैदान पर आए तो टॉस के बाद जेसन होल्डर ने बेन स्टोक्स की तरफ हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। इस पर बेन स्टोक्स अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। नंबर 13, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली विकेट लेने के बाद अपने बॉम्ब एक्सप्लोजन सेलिब्रेशन के लिए जाने जाते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच में विकेट लेने के बाद उन्होंने भाई इस तरीके से जश्न मनाया, लेकिन ये जश्न उन पर ही भारी पड़ गया। दरअसल जब वो जश्न मनाने के दौरान चिल्लाए तो उनकी गर्दन की भैया नस चढ़ गई और जश्न मनाने के बजाय अपनी गर्दन पकड़ के बैठ गए। नंबर 12, ऑस्ट्रेलिया लेजेंड और साउथ अफ्रीका लेजेंड के बीच एक मैच में जब दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज बॉलिंग कर रहे थे तो भाई इनके हाथों से गेंद सीधी जाने के बजाय फिसलकर बहुत दूर चले गए। इस पर बल्लेबाज ने गेंदबाज के संग थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए उनके हाथ का मसाज मैदान पे ही करना शुरू कर दिया। दरअसल ये करना गेंदबाज का मजाक उड़ाने जैसा था। इस पर गेंदबाज और साथी खिलाड़ी भी हंसते हुए नजर आए। नंबर 11, दोस्तों एक लोकल मैच में गलतफहमी की वजह से दोनों बल्लेबाज रन लेने के दौरान एक ही छोर पर पहुंच गए, जबकि फील्डर की ओर से थ्रो भी उसी छोर पर पहुंच गया। ऐसे में विकेट कीपर ने विकेट उड़ा दी, लेकिन उस समय दोनों बल्लेबाज क्रीज पर ही थे। ऐसे में दूसरा बल्लेबाज अब वापस अपनी क्रीज पर जाने लगा तो विकेट कीपर ने गेंद दूसरे छोर पर थ्रो करने की बजाय गेंद लिए ही बल्लेबाज के साथ दौड़ लगाते हुए विकेटों की तरफ जाने लगा। इस आपाधापी में बल्लेबाज पहले पहुंच गया। इस तरह विकेट कीपर की बेवकूफी की वजह से रन आउट करने का बेहद आसान मौका फील्डिंग कर रही टीम की हाथ से चला गया। कमाल की बात तो ये रही कि विकेट के बिल्कुल करीब पहुंचने के बावजूद जब विकेट कीपर ने गेंद विकेट पर मारने की कोशिश की तो बॉल विकेटों पर लगने के बजाय दूर छिटक गई। इसे कहते हैं कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। नंबर 10, दोस्तों 1999 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही सीरीज के पांचवें दिन में दर्शकों ने कुछ ऐसी हरकतें की जिसका खामियाजा दोनों ही टीमों को भुगतना पड़ा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया टीम को आखिरी गेंद पर 4 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज स्टीव वॉग ने गेंद को बाउंड्री की तरफ मारा, लेकिन फील्डर ने बाउंड्री के अंदर ही अंदर गेंद को आसानी से पकड़ते हुए थ्रो कर दिया। इस बीच बल्लेबाज एक रन पूरा करने के बाद दूसरे रन के लिए दौड़ रहा था, तभी वेस्टइंडीज के दर्शक खुशी के मारे मैदान पर आ धमके और उन्होंने जश्न मनाने के लिए विकेट उखाड़ दी। इस आपाधापी में भाई ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाजों ने एक रन ले लिया। अब चूंकि तीसरा रन मैदान पर सैकड़ों दर्शकों की मौजूदगी और बिना स्टंप के लिया गया था, ऐसे में भारी कंफ्यूजन हो गई कि किस टीम को जिता दिया जाए या गेंद को डेड करार दिया जाए। एक घंटे की लंबी माथापच्ची के बाद आखिरकार ऑस्ट्रेलिया को 3 रन दिए गए। इस तरह ये मैच वेस्टइंडीज नहीं जीत सका और मैच को टाई घोषित किया गया। नंबर 9, दोस्तों इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एक टेस्ट मैच के दौरान 26 रन बनाकर खेल रहे बल्लेबाज इंजमाम उल हक मोंटी पनेसर के सामने स्वीप शॉट मारने की कोशिश में चूक गए। इस दौरान भैया उनका बैलेंस भी बिगड़ गया और वो स्टंप पर धड़ाम से गिर गए। इस दौरान स्टंप्स भी बिखर गए। इस तरह बेहद ही शर्मनाक तरीके से इंजमाम उल हक हिट विकेट हो गए। उनके आउट होने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों के साथ साथ पूरा मैदान हंस रहा था। नंबर 8, दोस्तों 2020 में सीपीएल का एक मैच बारिश की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा। सभी खिलाड़ी पवेलियन में थे और बहुत तेज बारिश होने की वजह से मैदान पर पानी जम गया था। इस दौरान पवेलियन से निकलकर बीच मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेन जंग दौड़ते हुए नजर आए। उन्होंने मैदान पर फुल स्पीड से दौड़ लगाई और फिर वापस पवेलियन चले गए। शायद उन्होंने ऐसा पवेलियन में किसी साथी खिलाड़ी से लगाई गई गुप्त शर्त की वजह से किया होगा। खैर, उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो नहीं पता, लेकिन इस वीडियो ने लोगों को बहुत हंसाया था। नंबर 7, दोस्तों मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम आमने सामने थी। इसी मैच के दौरान इंग्लैंड का एक खिलाड़ी जो बाउंड्री के करीब फील्डिंग कर रहा था वो वार्म अप करने लगा। उनके इस वार्म अप की नकल इस खिलाड़ी के पीछे मौजूद दर्जनों दर्शकों ने भी करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते मैदान का एक बड़ा हिस्सा इस खिलाड़ी के संग वार्म अप करने लगा। ये देखकर खिलाड़ी को भी थोड़ा मजाक सूझा
और उसने भी इस वार्म अप को एक तरीके से डांस में बदलते हुए नए नए मूव्स करने शुरू कर दिए। दर्शकों ने भी हूबहू इसकी नकल करनी जारी रखी। इस नजारे को देखकर इंग्लैंड के कप्तान रहे नासिर हुसैन के साथ साथ हर कोई मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। आखिर में इंग्लैंड के खिलाड़ी ने ताली बजाकर दर्शकों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। नंबर 6। दोस्तों 2019 के बिग बैश लीग में राशिद खान के साथ एक बेहद ही मजेदार घटना घटी। दरअसल एक मैच में राशिद खान अपनी टीम की ओर से 16 ओवर फेंकने गए। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने LBW के लिए अपील की। एक पल के लिए ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया एम्पायर ग्रेग डेविडसन ने आउट देने के लिए उंगली ऊपर उठा दी है। जैसे ही उंगली थोड़ी ऊपर उठी, राशिद खान ने दूसरी ओर घूमकर जश्न मनाना शुरू कर दिया और खुशी का इजहार किया। लेकिन वो और खुशी मना पाते भाई से पहले अंपायर ने अपनी उंगली को पूरा उठाने के बजाय अपनी नाक को रगड़ना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने इशारा किया कि खिलाड़ी को आउट नहीं दिया गया। इस तरह राशिद खान के संग भाई जबरदस्त खेल हो गया। नंबर 5। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फील्डिंग कैसी है ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वो समय समय पर अपनी बेवकूफी से अपने फील्डिंग स्टैंडर्ड का परिचय देते रहते हैं। ऐसे एक मौका 2008 में वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे मैच में आया। इस मैच में छठे ओवर की दूसरी गेंद पर क्रिस गेल ने शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में चली गई। गेंद के नीचे शोएब मलिक और सईद अजमल पहुंच गए। गेल का आउट होना लगभग तय लग रहा था, लेकिन गेंद से बिल्कुल करीब आने के बावजूद ना तो मलिक ने कैच करने की कोशिश की और ना ही अजमल ने। इस तरह गेंद दोनों फील्डर्स के बीच में गिर गई और गेल आउट होने से बच गए। इस हरकत पर पाकिस्तानी फील्डरों की जबरदस्त भाई जगह हंसाई हुई थी और आज भी होती है। नंबर 4। दोस्तों श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में जब मैदान पर मौजूद ट्रेंट बोल्ट ने शॉट खेलने की कोशिश की तो वो चूक गए। शॉट खेलने से चूकने के बाद बल्लेबाज गेंद ढूंढने लगे कि आखिर गेंद गई कहां। जल्दी समझ में आ गया कि गेंद बल्लेबाज के हेलमेट में जाके अटक गई है। गेंद को बल्लेबाज के हेलमेट में देखकर विकेट कीपर ने आउट की अपील करनी शुरू कर दी। इस पर हर कोई हंसने लगा। वैसे विकेट कीपर ने ऐसा मजाक नहीं किया था। नंबर 3। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि विराट कोहली एक जिंदा दिल इंसान है। ये जब भी मैदान पे होते हैं तो अपने जबरदस्त चौकों और छक्कों से दर्शकों का एंटरटेनमेंट करते ही हैं। इसके अलावा ये मौका मिलने पर अपनी हरकतों से भी दर्शकों का खूब मनोरंजन करते हैं। मौका मिलते ही कोई ना कोई डांसिंग मूव्स करने लगते हैं। कई मौकों पर वो डांस करते हुए दिखाई दिए। हालांकि कई बार इनके डांसिंग मूव्स इतने अजीब और मजाकिया हो जाते हैं कि मैदान पर मौजूद हर एक व्यक्ति हंसने लगता है। इस वीडियो में उनके डांसिंग मूव्स को देखकर आप भी शायद अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। नंबर 2। दोस्तों 2012 में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैच में आमने सामने थी। जब इंग्लैंड की टीम फील्डिंग कर रही थी तो एक गेंद एंड्रयू स्ट्रॉस की तरफ चली गई। स्ट्रॉस ने बड़ी सफाई से गेंद को फील्ड करते हुए विकेटों की ओर थ्रो किया। जैसे ही उन्होंने गेंद को थ्रो किया, उनका चश्मा भी उनके सर से निकलकर बाहर आ गया और गेंद सीधे चश्मे से जा टकराई। इस टक्कर से भाई चश्मा चूर चूर हो गया। इसके बाद मैदान पर हर खिलाड़ी अपना पेट पकड़कर हंस रहा था। खासकर लिस्टर कुक अपनी हंसी तो भाई काबू ही नहीं कर पा रहे थे। नंबर 1। अब इसके बारे में क्या ही कहना। आप ही देखिए और कमेंट में बताइए मुझे कि इनके मूव्स आपको कैसे लगे। इसके अलावा वीडियो में आपको सबसे फनी मोमेंट कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे आने वाली वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैन।